हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अभी तक जैसे कि मैंने बताया, हम वेक्टर्स के कुछ टॉपिक कर चुके हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे अभी बचे हुए हैं, मैं आपको आज कंप्लीट करवा देता हूं। जो टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं मेरे सामने आपके लिए, वो हैं प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, देखिए मैं आपको वेक्टर एडिशन करवा चुका हूँ, रिजोल्यूशन करवा चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर, और अब बात आती है प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स की। अगर मैं प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स की बात करता हूँ तो बच्चे सीधे सीधे सी बात है, याद ध्यान रखिए, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बोले जाते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो ये इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलता है, स्केलर प्रोडक्ट भी बात करता है, और क्रॉस प्रोडक्ट को ये वेक्टर प्रोडक्ट भी बात करता है। यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट तो हमने पहले ही बोल दिया, अगर मैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट लिख रहा हूं तो मेरा लिखने का मकसद क्या है, वो सिंपल सा मकसद है कि ये जब भी आप दो वेक्टर्स का ये वाला प्रोडक्ट करेंगे तो आपको स्केलर मिलेगा, स्केलर मिलेगा। ठीक है भाई, जब आप किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? वेक्टर। चलो ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने दो टॉपिक्स को पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट एंड अ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूं तो सीधे सीधे से बात समझ में आती है कि सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं कि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इज पॉसिबल। ओके चलो भाई ठीक है, अगर मैं बात करता हूं डॉट प्रोडक्ट की तो हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, इसके डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच गिव्स अस स्केलर। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई डॉट प्रोडक्ट क्या है, दैट प्रोडक्ट व्हिच प्रोवाइड्स अस ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वो हमें स्केलर क्वांटिटी देता है। सही है। चलो अब बात करते हैं कि मैंने मान लिया इस डॉट प्रोडक्ट को दिखाना है मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूं। मैंने मान लिया एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इस डॉट प्रोडक्ट को इस डॉट से दिखाया जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहां इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं, आपने डॉट किया आपको ये क्वांटिटी मिली, और ये जो ये क्वांटिटी है बच्चे, ये स्केलर है, वेक्टर है, ये स्केलर है। भाई ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। अगर ये मैग्नीट्यूड ये अपने आप में न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है तो क्या ये सारा का सारा स्केलर नहीं हो गया? यस, तो स्केलर हो गया, तो यानी कि आपके सामने एक मैग्नीट्यूड आएगा विद यूनिट्स। चलो अब इससे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आप खुद सोच लीजिए, आप अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखना चाहूं, अब हम क्लास 10th पे जाइए। अगर मैं क्लास 10th की बात करता हूं, क्लास 10th में आपको सीधे सीधे एक वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ाया गया था विच वॉज एफ एस कोस थीटा। आप लिखते थे पर एक्चुअल में उसको क्या लिखा जाता था, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यानी कि जो वर्क डन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी किससे आता है, डॉट प्रोडक्ट से। दूसरी बात, अगर मैं कोई और एग्जांपल कंस्टिट्यूट करने की बात करूं तो आपको क्लास 10th में पावर का भी फॉर्मूला पढ़ाया गया था जिसको हम एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर लिखते थे, राइट। तीसरी बात, थोड़ा हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे कि आप जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और उस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब आपके सामने करंट का डिस्कशन होगा तो उसको करंट डेंसिटी के टर्म में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट। यानी कि करंट डेंसिटी एरिया जिसमें से वो करंट पास हो रहा है, ठीक। फोर्थ,
ए फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, फाई होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि दिस इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो बी होती है ये मैग्नेटिक फील्ड होती है और ए वो एरिया होता है परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट ऑफ करंट, यानी कि सॉरी करंट का कंपोनेंट नहीं, करंट जिधर जा रहा है उससे परपेंडिकुलर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसको इसने बोला। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जहां पे डॉट प्रोडक्ट की सीधे सीधे से एप्लीकेशन आपको बताई जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्पेशल केसेस की। अगर मैं आपके सामने बात करूं कि डॉट प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव है या नहीं, क्योंकि मैंने आपके सामने जब एडिशन पढ़ाया था वहां पे भी मैंने ये प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है हम लिख देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। जी हाँ बिल्कुल, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, यानी कि अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात करूं तो क्या वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के में इक्वल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसने भी मैग्नीट्यूड देना है। आप तीन और चार की मल्टीप्लाई करें, चार या तीन की मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे सीधी सीधी सी बात है ये कॉम्यूटेटिव माने जाते हैं। चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको कि भाई एक प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई। दूसरी बात, आपने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्वेश्चन आया कि बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है? जीरो। चलो सोचिए इसके बारे में, इसका क्या मतलब है? समझ में आ रहा होगा आपको भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो आ गया, मैं सोचने का टाइम दिया, आप पहले खुद सोचिए इसका मतलब क्या है। ए बी कोस थीटा जीरो, अगर ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो सीधी सीधी बात समझ में आती है, या तो ए जीरो या फिर बी जीरो या फिर कोस थीटा जीरो। मैंने मान लो क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इट इज? तो सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आता है, तो बचा कौन? ये जीरो, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू जीरो और थीटा इज इक्वल टू, बोलिए cos थीटा जीरो कब आता है? थीटा इज इक्वल टू 90 पे, तो cos 90 थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि सीधा सीधा समझ में आता है ये थीटा किसके बीच का एंगल है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ढंग से एक्सप्लेन करूं आपके सामने कि दो वेक्टर दिए हुए हैं ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो यहां से फॉर्मूला आता था, यानी कि जो थीटा है ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो यहां से सीधा सीधा समझ में आता है कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो बच्चा आप यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जीरो। क्या आता है? जीरो। ये बात आप हर जगह अप्लाई करेंगे, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा जीरो आता है। गेटिंग? बोर तो नहीं हो रहे? देखिए वीडियोस में खासकर कवर होता क्या है कि जब हम बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ टीचर नहीं बैठे होते तो कई बार हमारे दिमाग में बोरिंग से कंसेप्ट आने लग जाते हैं, बोर होने लग जाते हैं, क्योंकि अगर आपके सामने फिल्म दिखाई जाए तब आप बोर नहीं होते है ना, बट यहाँ बोर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक रुक के देख लीजिए है ना, अभी मूड नहीं है तो बाद में देख लेंगे, टॉपिक तो हमें करना ही करना है भाई। जब आपको फ्री में कोचिंग यहाँ दी जा रही है तो क्यों नहीं लेंगे आप? आजकल इंटरनेट तो सबके पास है। तो अपना मोटो क्लियर रखिए कि मुझे मेहनत करनी है और मेहनत के लिए मुझे कहीं से भी अगर मेरे को डाटा मिलता है तो उसको लीजिए। तो ए परपेंडिकुलर टू बी आ गया, तो समझ में आ गया दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। अब बताइए, बात आती है अगर मैं आपके सामने करूँ सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, एक टॉपिक होता है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूं तो सीधी सीधी बात समझ में आती है क्या? अगर मैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करूं किसका? एक वेक्टर का खुद के साथ, यानी कि ये वाला वेक्टर है ये इसके साथ मैंने किया। भाई आप सीधा सीधा समझिए, अगर एक वेक्टर ए इधर है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा ए भी इधर ही है, तो इनके बीच। सो गाइस हम बात कर रहे थे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की,
और डॉट प्रोडक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, अभी तक मैं डिस्कस मैंने किया आपके साथ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मान लो जीरो आता है, यानी कि इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। अभी मैंने बात करी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी ए वेक्टर की उसकी खुद के साथ डॉट करता हूँ तो आंसर मेरा कुछ इस तरीके से आना चाहिए, ए ए कॉस थीटा, यानी कि अगर मैं एक वेक्टर लेता हूं इधर, दूसरा वेक्टर भी इधर, तो बच्चे सीधा सीधा समझ में आता है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना, जीरो। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर जीरो है तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये ए स्थिर है, राइट। जीरो बढ़ते ही ये कॉस थीटा वन बन जाएगा और आपका आंसर ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से आपके कार्टेशियन प्लेन के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि कार्टेशियन प्लेन जब भी आपके सामने आता है तो उसके अंदर आपके पास तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक आई, एक जे और तीसरा के, सही है। अब अगर मैं इनकी खुद के साथ करूं क्या डॉट प्रोडक्ट, तो मेरा आंसर किस तरीके से आना चाहिए, इनका देखिए इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है वन, यहां मैग्नीट्यूड कितना था ए, अब ए की वैल्यू कितनी बन चुकी है वन, तो यानी कि आंसर कितना आएगा वन, तो सबका कितना आने वाला है वन। इसी तरीके से अगर मान लो आपको कहा जाए i कैप डॉट j कैप डॉट k कैप डॉट i कैप, अगर इनका पूछा जाए, देखिए i कैप आपके सामने दिखाता है दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, अगेन दिस इज y एंड दिस इज z, एंड वी ऑल नो दैट दिस x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस, सो आवर आंसर इज बिकमिंग जीरो। इसके बाद बात आती है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूं कार्टेशियन प्लेन के अंदर, तो बच्चे कार्टेशियन प्लेन में सारा का जो काम आपका है वो एक्स वाई जेड इस तरीके से चलेगा, यानी कि वी विल बी कंसिडरिंग दिस यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप रिमार्केबली। नाउ अब मैं बात करता हूं कार्टेशियन प्लेन के अंदर डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन के अंदर मैंने आपको बताया कि जब भी आप एक वेक्टर को दिखाते हो तो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, राइट। b वेक्टर इज x2 y कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप, राइट। नाउ अगर मैं इनका दोनों का डॉट करना चाहता हूं तो आप किस तरीके से करेंगे, ऑब्वियसली बात है जो जो इनकी वैल्यूज हम यहां पुट कर देंगे, x1 i कैप, y1 j कैप। देखिए बच्चे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, सीधा सीधा रिजल्ट भी लिखा जा सकता है, आराम से बताने का बोलने का मकसद ही यही है ताकि आपके दिमाग में इस तरीके से पेनिट्रेट हो जाए कि निकले ही ना। तो z1 k कैप, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। देखिए बच्चे इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ करूंगा, इसको इस पूरे के साथ करूंगा, यानी कि हर एक को इस पूरे के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो एक बात देखिए ये i कैप यहां i कैप बनेगा, i कैप डॉट i कैप बनेगा, i कैप डॉट j कैप बनेगा, i डॉट k कैप बनेगा, है ना। यानी कि ये i और i तो हमें आंसर देंगे लेकिन i कैप डॉट j कैप आपको आंसर देने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, यानी कि आपके सामने जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से x1 x2, अगले में j वाला रिजल्ट देगा, अगले वाले में k वाला, यानी कि y1 y2 z1 z2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जब आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हो इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट तो इस तरीके से आता है कि इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये आपका आंसर आ जाता है और ये एक स्केलर आता है, राइट। ओके अब देखिए इसी तरीके से जब आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए तो हम इस टॉपिक से एंगल भी बता सकते हैं। आपने कहा ये नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपको कह दिया जाए ए वेक्टर बी वेक्टर कितना है, ए बी कॉस थीटा
तो यहां से हम cos थीटा निकाल सकते हैं, which is a vector dot b vector divided by a b. तो आपको बच्चे समझ में आ जाना चाहिए कि जो a है ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और b इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, राइट? तो यहां से आप इसको एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, गेट इट? तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा. इसकी कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको रिकैप करवा देता हूं कि मैंने आपके सामने क्या-क्या डिस्कस किया है. मैंने सबसे पहले आपको बताया कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर आपका 0 आता है तो आप सीधे-सीधे समझ जाइए मैं कहता है कि a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के. दूसरी बात, जब भी अगर मान लो आपको कहा जाए कि a वेक्टर को b वेक्टर प्लस c वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये डॉट खुल जाता है. ये हमें क्या देता है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस है a वेक्टर डॉट c वेक्टर, राइट? उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमारा, वो हमारा कितना आता है? 1 आता है. और जब हम इनका ij का करते हैं, यानी कि दो परपेंडिकुलर्स का, तो वो सीधा सीधा आंसर कितना आता है? 0 आता है. इसी तरीके से तो बच्चे ये तो था आपका टॉपिक, ये कांसेप्ट आप जो समझ चुके हैं. इसके बाद जो न्यूमेरिकल वाला सेशन होगा उसके अंदर हम सारे इनके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे कि कितना टफ और कितना मीडियम, कितना इजी न्यूमेरिकल इनके ऊपर बन सकता है. तो तब तक आप इनको टॉपिक्स को समझिए, कांसेप्ट को अपने दिमाग में बिठाइए. तब तक हम आपके सामने न्यूमेरिकल्स का कुछ पोर्शन भी तैयार करते हैं आपके लिए. और मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करो, लाइक करो, जो करना है करो, यानी कि सब्सक्राइब जरूर कर दो, शेयर भी करो, एवरीथिंग यू हैव जो आप कर सकते हैं आप सब कुछ करिए. ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए. आपको अच्छी लगती है तो आप प्रमोट कीजिए, आपको अच्छी नहीं लगती है आप अपने तक सीमित रखिए. थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक देखते रहिए किसको, इसको. बाय.